हर बार एक बात कहना अच्छा नहीं लगता। सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट क्लास और प्रेस कीजिए बेल आइकन को हमारी सारी नोटिफिकेशन देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैतिक पटेल, आपका दोस्त और आपका होस्ट। आज के इंस्ट्रूमेंटेशन के तीसरे एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं रडार टैंक लेवल ट्रांसमीटर के बारे में। रडार लेवल ट्रांसमीटर माइक्रोवेव पल्स जनरेट करता है और जनरेटेड पल्स और उसके रिफ्लेक्टेड इको को इसका रिसीवर रिसीव करता रहता है। इसका रिसीवर इसे इलेक्ट्रिकली सेंस करता है और रिसीवर इसे एनालॉग इनपुट आउटपुट या डिजिटल इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट करता है। रडार टैंक लेवल ट्रांसमीटर बहुत ही शॉर्ट टाइम के पल्स जनरेट करता है जो कि मिलीसेकंड या नैनो सेकंड के होते हैं और रिसीवर इसे रिसीव करता रहता है। ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है। अगर स्पीड ऑफ लाइट को 3 लाख किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से गिने तो 40 मीटर टैंक में माइक्रोवेव पल्स ट्रांसमिट और रिसीव होने में सिर्फ 6.7 नैनो सेकंड लगेंगे। इतने शॉर्ट टाइम में रडार टैंक लेवल ट्रांसमीटर कैसे काम करता है, तो आज के एपिसोड में मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। मैं हूँ नैतिक पटेल, आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लास। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे रडार लेवल ट्रांसमीटर के पार्ट्स के बारे में और उसके बाद में मैं आपको एनिमेशन थ्रू बताने वाला हूँ कि वो कैसे काम करता है। किसी भी टैंक में रडार लेवल ट्रांसमीटर ऊपर की तरफ फिट किया जाता है और उसका रिसीवर उसके ऑपोजिट साइड फिक्स किया जाता है। जब पल्स इस पे ट्रांसमिट होता है तो वो उसका इको रिफ्लेक्ट होके रिसीवर पर जाता है और रिसीवर इसे इलेक्ट्रिकली सेंस करता है। बाद में इसे एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट या डिजिटल इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट करता है। जब रडार टैंक लेवल ट्रांसमीटर का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें दो चीजें मेजर होती है। सबसे पहली है बैंडविड्थ और दूसरी है फ्रीक्वेंसी। ये दोनों क्या है वो समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इसको आपको एनिमेशन थ्रू आपको समझाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हायर बैंडविड्थ वाला रडार लेवल ट्रांसमीटर अच्छा होता है। जब कम बैंडविड्थ वाला पल्स टैंक के लेवल पर ट्रांसमिट होता है तो रिफ्लेक्शन के वक्त वो पहले या बाद में आने वाले पल्स के साथ मिक्स हो जाता है। तो अगर ये पल्स की बैंडविड्थ ज़्यादा है तो वह ज़्यादा एक्यूरेसी देगा। दूसरा, अगर टैंक लेवल रडार ट्रांसमीटर को आप यूज़ करते हैं मोशन लिक्विड में, जैसे अगर किसी टैंक में कंटिन्यूस लिक्विड फ्लो है तो उसका सरफेस एजिटेशन में रहता है, तो उसको एक्यूरेट मेजर करने के लिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। कम फ्रीक्वेंसी में जो पल्स रिसीव होता है उसकी एक्यूरेसी कम होती है और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर ज़्यादा। रडार टैंक लेवल सेंसर 40 मीटर तक अच्छा परफॉर्मेंस देता है। अगर इसे ज़्यादा लेवल के लिए इसे यूज़ करना है तो वह ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाला इको प्रोड्यूस करना होगा और रिसीवर को पता ही नहीं चलेगा कि वो इको रिसीव कर रहा है या नहीं। तो अगर हम 5.8 गीगाहर्ट्ज़ की जगह 26 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को यूज़ करेंगे तो वह हमें काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी देगा। इवन वह वेपर और गैस में भी अच्छी तरह काम करेगा। इसका जो रिसीवर है उसे एंटेना कहते हैं। ये एंटेना दो टाइप के होते हैं, सबसे पहला है रोड एंटेना और दूसरा है हॉर्न एंटेना। सबसे पहले हम देखते हैं रोड एंटेना के बारे में। रोड एंटेना सिंपल सा एंटेना है, ये पॉलीप्रोपिलीन या टेफ्लॉन का बनता है। इस पर डस्ट, फ्यूम्स, गैस, वेपर ये सब का इफेक्ट हम देख सकते हैं और इससे डायरेक्ट चैनलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायरेक्ट चैनलिंग का मतलब जो पल्स ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है और रिसीवर उसको डायरेक्टली रिसीव करता है उसके इको के बदले। और दूसरा है हॉर्न एंटीना। हॉर्न एंटीना का मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन मेटल है, इसमें डायरेक्ट चैनलिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मतलब जो पल्स जनरेट हुआ है उसका इको ही इसमें रिसीव होगा। डायरेक्ट पल्स रिसीव होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। पहला, ये नॉन कॉन्टेक्ट लेवल ट्रांसमीटर है, तो फ्लूड के टेम्परेचर से या उसके प्रेशर से इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है।
रडार टैंक लेवल ट्रांसमीटर पे लिक्विड की डेंसिटी, विस्कोसिटी या उसके डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी वाले रडार लेवल ट्रांसमीटर का यूज करते हो तो यह एजिटेटेड सरफेस को भी मेजर करता है। आप जानना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर कैसे काम करता है तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको ये टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलेंगे एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।